हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग के लिए आपका फ्यूचर क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग में करियर करें तो कैसा होगा, या फिर आप सोच करियर में कन्फ्यूज़न है, तो हार्डवेयर नेटवर्किंग एक अच्छा स्कोप होगा, एक अच्छा फ्यूचर होगा, एक अच्छा ग्रोथ का जरिया बनेगा। तो अगर आप हार्डवेयर और नेटवर्किंग में अपना करियर कर रहे हैं तो मैं इसको आगे डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या सैलरी एक्सपेक्टेशन है, या कौन कौन सी कंपनी हायर करती है नेटवर्क इंजीनियर या फिर हार्डवेयर इंजीनियर को, मैं इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। तो जल्द लास्ट की वीडियो देखते रहिए। देखिए, बहुत सारे कोर्सेज हैं अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग में देखा जाए, इसके अलग अलग सेक्टर हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं। तो इसके बहुत से, जैसा कि सर्टिफिकेट कोर्स आ रहा है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज का बहुत ज़्यादा जो वैल्यू रहती है यही है सर्टिफिकेशन कोर्स, और जो डिप्लोमा कोर्सेज है आपको टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा। अभी देखते हैं कि आपको कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो मिल जाएंगे अगर हार्डवेयर नेटवर्किंग का जो भी करना चाह रहे हैं आप, जेटकिंग और कॉग्निस या वेरा एकेडमी, IIST, ऑनिक्स, KCLB, या मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो बुलर है वही इंस्टीट्यूट को मैंने यहाँ पर लिस्ट में रखा। जेटकिंग बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर मैं अगर रेकमेंड करूंगा कि हार्डवेयर नेटवर्किंग के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट। जॉब्स अगर देखा जाए तो जॉब्स ओपनिंग हर जितने भी डिपार्टमेंट या जितने भी सेक्टर में देख लीजिए तो इसके ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा रहती है हर कंपनी के। अभी तो जो टाइम चल रहा है कि टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो रहा है, कंप्यूटर नए नए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, कंप्यूटर रिवोल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो हर अभी डिपार्टमेंट में हर सेक्टर में कंप्यूटर को एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट्स हो गया। तो इसके लिए कंप्यूटर जहाँ है तो कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है, या फिर अगर नेटवर्क से कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसके मेंटेनेंस भी ज़रूरत पड़ता है, इसलिए कि इसको बहुत हर कंपनी में इसका वैकेंसी या ओपनिंग्स रहती है। जैसे मैंने कुछ जो बड़े सेक्टर से उसका नाम लिखा, जिस तरह के सॉफ्टवेयर में आपको मिल सकता है, सॉफ्टवेयर बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है उसमें आपको जॉब मिल सकता है, कॉल सेंटर, BPO, बैंकिंग सेक्टर, या फिर हॉस्पिटल में, एजुकेशन लाइन में भी आपको जॉब मिल सकता है, फिल्म्स में, और जो बहुत सारे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर आप बहुत सारे कंपनी में आपको ओपनिंग मिलती रहती है। मैं अगर बोलूँगा तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को ओपनिंग रहती है तो ये नेटवर्किंग और हार्डवेयर में हर कंपनी में आपको ओपनिंग्स मिलेगी, आप हर कंपनी में आपको इसको हायर किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो कॉमन वर्क प्रोफाइल है जो कंपनी, उस जो भी कंपनी का कोई भी बंदे को हायर करती है उसको, उसमें क्या रोल, उसका पोस्ट क्या रहता है, उसका डेजिग्नेशन क्या रहता है, कि अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आपने कंप्लीट किया तो आप सबसे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, अगर आप इंटरेस्ट के मुताबिक आप अलग अलग सेक्टर में जा सकते हैं। अगर आप हार्डवेयर में इंटरेस्टेड है तो आप सिस्टम असेंबलर या सिस्टम इंटीग्रेटर, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, चीफ डिजाइनर जैसे डेजिग्नेशन में काम कर सकते हैं फ्यूचर में। और इसी तरह अगर आप सर्वर में से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या फिर सिस्टम डिजाइनर या सिस्टम इंजीनियर, इस तरह के आप डेजिग्नेशन को आप मिल सकते हैं। और अगर नेटवर्किंग लाइन में आपको इंटरेस्टेड है या फिर नेटवर्क लाइन में आपको बहुत अच्छा है या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में आप टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर या फिर नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या नेटवर्क मैनेजर, इस तरह के आपको डेजिग्नेशन मिल सकती है। और इसकी सैलरी भी मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो आप सर्वर में जाइए या फिर नेटवर्किंग से, क्योंकि इसका डिमांड भी ज़्यादा है, इसका ग्रोथ भी अच्छा है, आपको मैंने फैसिलिटी भी अच्छा, टेक्निकल और सर्वर हार्डवेयर से बेटर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे कंपनियाँ हैं ऐसे तो, लेकिन मैंने बहुत जो बड़े नागर कंपनी है जो हायर करती है जिसमें आपको अच्छा फैसिलिटी मिल सकती है, जो MNC है उसकी कंपनी, कुछ कंपनी का सिर्फ यहाँ पर मैंने लिस्ट किया है, जिस तरह की है हूलेट पैकर्ड जो बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी है आप जैसे जानते हैं, और कैसियो इंडिया कंपनी, इंटेल कॉर्पोरेशन जो, और डेल, इस तरह बहुत सारे कंपनियाँ हैं जो आपको हायर करेंगी अगर आप नेटवर्क इंजीनियर है या फिर हार्डवेयर इंजीनियर है या फिर नेटवर्क इंजीनियर है या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है तो। अगर उसके बाद आपको जो सैलरी इसमें मिल सकता है, ये पहले जो फ्रेशर से फ्रेशर आपको तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको 12,000 से 18,000 के अंडर में मिलेगा। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ गया तो 3 ईयर्स में आपका सैलरी, आपका ग्रोथ होते होते 13,000 तक 35, अगर आप खुद को अपग्रेड करते रहे, थ्री ईयर्स में भी आपको इतना अपग्रेड मिल सकता है, और 5 ईयर्स में आपको 50,000 तक का पैकेज मिल सकता है। आपको बस करना है कि आपको अपने अपग्रेड करते रहना है, जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है या फिर आप जितना अभी हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स किया है तो उसके बाद भी, उसके बाद जो कोर्सेस हैं उसको भी, उसके लिए भी ट्राई करना, उसको भी कंप्लीट करके आप कर सकते हैं। या उसके 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो आप, मैंने बहुत सारे जैसे देखा है एलुमिनी सैलरी 18,000 से 1,10,000 तक सैलरी 10 ईयर्स के अंडर में हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है देखा जाए तो, सर बहुत ही ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, अगर एक्सपीरियंस बढ़ता है तो इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी भी है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा। और भी इसके बाद आप हार्डवेयर नेटवर्किंग कंप्लीट करने के बाद आप CNA या सर्वर भी कोर्स कर सकते हैं, उससे आपका सैलरी ग्रोथ भी होगा और आप अलग अलग डिजिशन में जा सकते हैं। और यहाँ तक के लिए बस इतना ही, आप अगले वीडियो में आप मिलते हैं, और अगले वीडियो में मैं
नेटवर्क शॉपिंग में मैं आपको CCNA के बारे में बताऊंगा। तो मैं हमारे संग जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। देखने के लिए इस वीडियो को थैंक यू।